मानवता को तार तार करने वाली तस्वीरें मणिपुर से निकल कर आईं, और जब मणिपुर दंगों की आग में जल रहा था तब दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उनको निर्वस्त्र किया गया और पूरे इलाके में उनकी निर्वस्त्र कर उनके कपड़े उतार कर उनकी परेड की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गुस्सा हर एक भारतीय के मन में है कि आखिरकार इतनी दरिंदगी क्यों। इस तरह से जो दरिंदे होते हैं, जो वैश्यपन पे उतर आते हैं, क्या वो उनके घर में कोई बहन नहीं है, उनके घर में कोई माँ नहीं है, क्या वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और दो समुदायों की जो लड़ाई है उसके बाद जो है इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आना काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि आखिरकार देश में हो क्या रहा। और ये जो सोच है, ये जो घटिया सोच है लोगों की, कैसे ये पनप कर बाहर आती है। सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल होती है तो पूरा देश जो है वो गुस्से से भर जाता है कि आखिरकार उन दो महिलाओं का कसूर क्या था, जिसके बाद विपक्षी दल एक बार फिर से हमला करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहते हैं कि अब तो आप कुछ बोल दीजिए, अब तो बता दीजिए कि कानून व्यवस्था क्या सही है या गलत है उस राज्य में, जिसके लिए लगातार जो है आप अपने मुखबिंदु से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे। वो मणिपुर जल रहा है और आप जो है कुछ कह नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मानसून का सत्र शुरू होना था पूरे देश को उस वीडियो के बारे में ये कहा कि देखिए मैंने दो महिलाओं की वो वीडियो देखी है, उस वीडियो में जिस तरह से असहाय महसूस कर रही थी वो महिलाएं, काफी ज्यादा बेबसी का आलम था, उसके बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, मेरा हृदय जो है वो पीड़ा से भर चुका है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, क्योंकि मणिपुर भारत के साथ जुड़ा हुआ एक राज्य है और भारत की भी बेइज्जती इससे होती है। किसी भी राज्य में महिला का अगर अपमान होता है तो पूरे भारत का अपमान होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि इन जो अपराधियों पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि मणिपुर पुलिस की अगर हम बात करें, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, 4 मई का ये मामला है, लेकिन कल सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो हर एक व्यक्ति जो था इंसाफ मांग रहा था उन दो महिलाओं के लिए जो असहाय महसूस कर रही थी, और ये भी पूछ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या गया है देश के उन नागरिकों को जो लगातार जो है अपनी मानसिकता गिराते हुए नजर आते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी गुनहगार हो, कितने भी गुनहगार हो, क्योंकि इसमें ये जो मामला है जिस तरह से आपराधिक मामला दर्ज किया गया है उसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप का भी मामला आया है। काफी बड़ी संख्या में लोग जो है महिलाओं को खेतों की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं, जिसके बाद गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद जो है ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है उसने हस्तक्षेप किया है, उसने इंटरफेयर किया है, उसने कहा है कि आप जवाब दीजिए। ये मणिपुर की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार दो महिलाओं के साथ इतनी आपकी दावेदारी जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है, कब उन अपराधियों को, उन गुनहगारों को जो है यहाँ पर पूरी तरह से जेल के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे जो है वो धकेला जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही है। वहीं जिस तरह से मैंने आपको कहा कि यहाँ पर विपक्षी दलों के नेता जो है लगातार हमलावर हो चुके हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक शब्दों में ये कह दिया था कि देखिए मैं राजनीति से परे होकर कह रहा हूँ, महिलाएं जो है वो देश की आधी आबादी नहीं है, बल्कि महिलाएं वो हैं जिनसे देश का सम्मान होता है। अगर आप साइलेंट वोटर की बात करते हैं तो कोई भी चुनाव ले लीजिए, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का है। नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे तमाम विपक्षी दल ये कहते थे कि नीतीश कुमार जीत नहीं सकता, लेकिन उन नीतियों में खास तौर पर जिक्र महिलाओं का था, महिलाओं की सुरक्षा का था, और महिलाओं को मद्देनजर रखकर ही योजनाओं का आगाज किया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार पहली पसंद महिलाओं की बने। महिलाओं ने उनको जी भर कर वोट दिया, बंपर वोटिंग हुई उनके पक्ष में, उसके बाद नीतीश जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन आप महिलाओं को कम नहीं आंक सकते हैं, जहां महिलाएं जो हैं वो पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, नासा में जा रही हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को आज
आज भी इतनी गलत मानसिकता के साथ देखते हैं कि इस प्रकार जो है घिनौनी हरकत करते हैं, पूरे समाज में ये एक दाग लगाने की तरह है। और उन महिलाओं के बारे में आप सोचिए जिनके साथ ये घटित हुआ था, मामला 4 मई का था, लेकिन एक महिला के साथ जब कभी ऐसा होता है तो पूरी जिंदगी उन घाव को लेकर जीती है, वो जख्म जो है वो कभी भरते ही नहीं है। ये लगातार जो है एक सवाल भी पूछा जा रहा है हर एक आम नागरिक के द्वारा, और लगातार जो है यहाँ पर सियासत नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है अब कानून व्यवस्था पर सवाल है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब जो है काफी ज्यादा जो एक परिस्थिति बन चुकी है मणिपुर की, उसको देखा जाएगा कि किस प्रकार हम कानून व्यवस्था बरकरार रखें। वही देश के गृह मंत्री जिनको कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कॉल किया, हालातों का जायजा लिया और ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मामला गैंगरेप का है, काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित थे, सबको पकड़ा जाए, दर पकड़ जो है काफी तेजी से की जाए और कोर्ट ऑफ लॉ जो है यानी कि जो न्यायालय है वो तो सजा देगा, लेकिन कानून व्यवस्था बरकरार रखना वायरल होता है, हर एक व्यक्ति गुस्से से भर जाता है। और एक ही सवाल है कि आखिरकार मणिपुर जब जल रहा था तब देश के तमाम नेता क्या कर रहे थे, तब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, और तब जो है कानून व्यवस्था की जो तमाम जो लगातार पीठ थपथपाई जाती थी उस पर जब दाग लग रहा था तब तमाम नेतागण कहां थे। राजनीति से परे होकर जब एक महिला की सुरक्षा का मामला सामने आता है तब सबको महिला की सुरक्षा की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो दो महिलाएं थी वो किसी की बेटी भी थी, किसी की बहू भी होंगी, किसी की अगर हम कहें माँ भी होंगी। तो आगे जाकर इतने गहरे जख्म आपने दो महिलाओं को दे दिए हैं कि आज पूरे भारत ने वो वीडियोस देखी हैं, आज पूरे भारत ने उन तरह की तस्वीरें देखी हैं, असहज महसूस करते हैं हम वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो आपको विचलित कर सकती हैं। लेकिन साफ तौर पर सवाल यही है, क्या भारत जिसको दुर्गा का देश कहा जाता है वहां पर महिलाओं का इस प्रकार अपमान करना सही है? महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, आप अगर किसी को नेतृत्व नहीं दे सकते हैं कम से कम जो है उसको साथ चलने की अनुमति तो दीजिए। और इतनी घटिया मानसिकता जो है काफी ज्यादा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सजा देने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संज्ञान ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार भी लगाई है कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था जहां पर दो महिलाओं के साथ ऐसा हो गया और इतने महीनों के बाद वीडियो वायरल होती है और उसके बाद सवाल आपकी हमारे साथ बने देखते हुए।